हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय माला की इंडियन रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं सुरण की सब्जी, जिसको शायद एलिफेंट फूड भी कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 kg का सुरण लिया है, इसे हमें काटकर 1 kg की सब्जी बनानी है। तो सबसे पहले इसकी सारी ऊपर की मिट्टियाँ हम निकाल देंगे, अच्छे से इसको पानी में साफ कर लेंगे। क्या है कि ये गाजर की तरह इसका पौधा लगा होता है, इसलिए ज़मीन में रहता है तो इसमें मिट्टी वगैरह होता है, इसलिए हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और अब इसमें से हम 1 kg निकाल देंगे अलग से, और 1 kg की हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमें इसकी ऊपर की जो छाल है उसको अच्छे से निकाल लेना है, साफ कर लेना है। फिर उसे जैसे ही हम पनीर को कटिंग करते हैं उसी तरह से इसको अच्छे से कटिंग करना है। क्या है कि ये आलू से थोड़ा ज़्यादा कड़क होता है, तो इसे हमें पनीर की तरह कटिंग कर लेंगे। और अगर आप चाहे तो इसे चिप्स की तरह भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से पनीर की जितनी साइज होती है उसी की तरह हम इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, इसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही बढ़िया बनती है, और टेस्ट में थोड़ा ग्रेवी के हिसाब से हम बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। तो चलिए, हमारा ये सारा जो है कटिंग हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से 2 बार पानी में साफ़ कर लेंगे। जैसे ही हम आलू को साफ करते हैं उसी तरह से इसे हमें साफ कर लेना है। और यहाँ पर सब्जियाँ भी हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 बड़े प्याज और हरा धनिया लिया है हमने, और 1 इंच आलू लिया है हमने, जिसे हम छिल कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और प्याज को हम छोटा साइज़ में कटिंग करने वाले हैं, और टमाटर को भी छोटे साइज़ में कटिंग करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो एकदम टेस्टी और बढ़िया बने। तो चलिए, सबसे पहले हमें सुरण को जो है तेल में फ्राई कर लेना है, जिस तरीके से हम पनीर या किसी भी सब्ज़ी को तेल में फ्राई करते हैं जिसे पहले बनाने से, उसी तरह से हमें इसे तेल में भी फ्राई करना है। और अच्छे से इसे तेल में फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसका कलर जो है ब्राउन है, लेकिन हमें और ज़्यादा ब्राउन कर देना है इसे। देखिए, इस तरह से हमें ब्राउन करके एक अलग हमें बाउल में इसे निकाल देंगे थाली में। तो देखिए, सारा का सारा हमने फ्राई कर लिया है तेल में अच्छे से। अब हम फिर से गैस चालू करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई गरम करेंगे, और जो हमने तेल फ्राई किया था उसी तेल को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, उसमें हम सरसों डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले इसमें प्याज डालना है, जो कि हमने 3 बड़ा साइज़ का प्याज लिया था, वो सबसे पहले हमें इसमें डालना है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रेवी करने के लिए आपको क्या है कि प्याज और टमाटर की अच्छे से ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्याज एक और ज़्यादा डाल सकते हैं। क्या है कि ये कंदमूल की जो सब्ज़ी है उससे आप प्याज डालेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो भी कम हो जाएगी, और आपकी ये जो सब्ज़ी है वो टेस्टी बनेगी। और इस तरह से हमें सारा प्याज जो है टमाटर दोनों डाल दिया है, मिक्स कर लिया है अच्छे से, और हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है। आप कोई भी दूसरी अगर जितना तीखा खाते यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर से हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, जो कि हमारे कंदमूल की सब्ज़ी को अच्छा टेस्ट या अच्छे स्मेल में सब्ज़ी बनाएगी। और 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, और फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके ऊपर हम जैसे हमारी ग्रेवी थोड़ी
आपको लगेगी गाढ़ी है, तो इसे पतला करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पानी इसमें डालना पड़ता है। और उसके बाद जो अदरक हमने पीसी थी उसके अंदर हम इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दोस्तों काजू है तो आप इसमें इसको कटिंग करके डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर से हमें थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया है और अब इसमें हम सूरन को डाल देंगे। जो सूरन हमने तेल में फ्राई किया था उसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। तो पक के तैयार है दोस्तों, तो तैयार है हमारी सूरन की डिश। देखिए इसे हम एक अलग बाउल। तो कैसी लगी आपको सूरन की सब्जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा।